नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर। इस टाइम हम जहाँ पे खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत त्रैंबली का क्षेत्र है और यहाँ पे जो सड़क की टायरिंग हो रही है, ये एजू बसाई लिंक रोड से त्रैंबली तक हो रही है। मज इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है कोलंग, ग्राम पंचायत कोलंग आ रहा है। यहाँ पे इस मोड़ तक यहाँ से टायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। 6 किलोमीटर की टायरिंग यहाँ से हो रही है और हम दिखाना चाहेंगे जैसे ये कार्य अभी हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे जो गाड़ियाँ वाले हैं, जो हमारे लोकल गाड़ी वाले हैं हमारे, उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा देखें जैसे आपका काम चल रहा है, थोड़ी सी में बाधित ना करें, क्योंकि ये सिंगल वे वन वे रोड है, ये टू वे रोड नहीं है। आपको खुद ही देखना होगा क्योंकि आपके क्षेत्र के रोड हैं और इनकी कहीं ना कहीं केयर करना आपकी भी एक भागीदारी जिम्मेवारी बनती है। दूसरे, हम चाहेंगे पूरे क्षेत्रवासियों से जब तक ये रोड बनेगा आप थोड़ा सा संयम रखें। जो दिन में काम होता है तो आप दिन में थोड़ा आवाज़ है यहाँ से कम करें इस सड़क से। हमारे साथ जो PWD विभाग के जो यहाँ पे कुछ अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और किस तरह का इनको कुछ यहाँ पे परेशानी समस्याएं आ रही हैं और किस तरह सी आम जनता को समस्या आती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सर, आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। नमस्कार जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने, कुछ ऐसी इस तरह की जो अभी सड़क बन रही है, देखो हम भी देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं, मानते नहीं है लोग, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करने में प्रॉब्लम आ रही है जी, और मानते नहीं है लोग जी, फिर हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी, और लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है जी। इसके अलावा काम किस तरह का चल रहा है अभी? काम तो आप देख रहे हैं, अच्छा काम चला हुआ है जी। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो रोड बन रहा है अभी, बन के तैयार हो रहा है, ये इसमें कितने mm की बजरी ये पड़ रही है? लू 40 mm डाल रहे हैं और रोलिंग के बाद 30 mm रह रही है जी। क्या आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसे हम आप हमें दिखा सके कि कितने mm की बजरी यहाँ पे डल रही है? जी जरूर दिखाइएगा। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी उनसे भी विनती है, निवेदन है कि ये सिंगल वे रोड है और इसमें अपनी आवाजाही जो है कम करें। इमरजेंसी है तो चलो मान सकते हैं, फिर भी उसके लिए आपको 1-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया शॉर्ट ये है कि आप यदि एजू बसाई रोड में आ रहे हैं तो अभी थोड़ा परहेज़ करें, 5-7 दिन आप थोड़ा रुकें। यदि आप कोलंग से परली साइड जा रहे हैं, अगर आप एजू बसाई जा रहे हैं तो आप वहीं से टर्न ले लें, और यदि आप त्रैंबली से पीछे जा रहे हैं तो वहीं से टर्न ले लें, क्योंकि बीच में काम चला हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन से दिखाएँ कितने बड़े यहाँ पर जो मशीनरीज हैं वो लग चुकी है, और यहाँ पे सिंगल वे होने की वजह से, अब डबल वे नहीं है, खाली सिंगल वे है और गाड़ियों का कहीं ना कहीं बड़ा रुकावट है, गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। हमें समझना पड़ेगा, हम खुद को जागरूक कहते हैं, हमें जागरूक बनना पड़ेगा और अपने क्षेत्र का कार्य है, इस कार्य को सही वक्त तरीके से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यदि यह कार्य बिल्कुल सही ढंग से होता है तो कल को आपके ही ये काम आने वाला है। ये सड़क है, इसने कल भी आप लोग ही चलेंगे, आने वाले समय में भी आप लोग चलेंगे, यदि इसकी देखरेख की जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। तो हम चाहेंगे खबर खास के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सड़क है, आप, मैं चाहता हूँ आगे आ जाइए, सड़क का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल पड़ा है। 6 किलोमीटर का ये कार्य जो है वो एजू बसाई से लेकर अभी सुमोड़ तक त्रैंबली पंचायत इवन करेगा, और मैं चाहूँगा हमारे स्थानीय विधायक जी से भी कि जो 2 पंचायतें बच रही हैं, खुड्डी पंचायत और कोलंग पंचायत, इनका कार्य भी आप नियमबद्ध तरीके से और जल्दी लगाएं, ताकि जो खजूर से लेकर एक समोड़ तक ये जो सड़क है जो वंचित है, कहीं ना कहीं इसमें अभी जो पैसेज है वो डाले जा रहे हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं नियमबद्ध तरीके से सही किया जाए। और एक बार फिर बताना चाहूँगा आपको कि थोड़ा आगे दिखाएँ किस तरह का ये यहाँ पर मटीरियल डला है, और हम चाहेंगे आप ये भी चीज़ दिखाएं कि कितना मटेरियल इसमें डलता है, किस तरीके से मशीन जो है वो कार्य करती है जी। थोड़ा मैं चाहूँगा ये सर कितने 40 जी, आपका जो कार्य है बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, सुनिश्चित तरीके से होना चाहिए, और जो हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ठेकेदार के माध्यम से जो PWD विभाग है वो काम करवा रहा है, कितनी गुणवत्ता है, क्योंकि अब आपको तेज़ी के साथ में गुणवत्ता का होना भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम ये चेक कर रहे हैं, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है कि कितने mm का इसमें, जो इन्होंने जैसे पहले भी बताया है, हमारी बात हुई है तो जी, ये कितने mm का सर? ये 40 mm सर, 40 mm का। मैं चाहूँगा आप नज़दीक से दिखाएँ इसको, नज़दीक से आएँ यहाँ पर आके दिखाएँ इसको। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये 40 mm का है, आप ये जो बजरी है यहाँ पे डली हुई है, आप इसको दबाएंगे कि क्या करेंगे?
अच्छा, जो बजरी यहाँ पे गिरेगी आप देखेंगे जी, अभी बजरी यहाँ पे आ रही है, मशीन से निकल रही है, वो यहाँ पे आके गिरेगी और आपके सामने जितने एमएम की बजरी यहाँ पे गिरेगी, जो रोलर है फिर उसके बाद इसको दबाया जाएगा, तो कितने एमएम की बजरी होना ये सुनिश्चित करेगा। मैं चाहूँगा आप आगे आ जाएं। जी वो चाहूँगा 40 mm, बिल्कुल। अभी यहाँ पे थोड़ा शुरू है तो शुरुआत में थोड़ा कम रहा, बाकी आप देख सकते हैं अभी जो विभागीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और वो दिखा रहे हैं जहाँ कमी रह रही है, हम आपको बता रहे हैं कि 40 mm का जो ये यहाँ पे इसकी टायरिंग होती है, जो यहाँ पे लुक बिछाई जा रही है, अभी जो इक्विपमेंट्स है चेक करने का उसके माध्यम से जा रही है। पीछे से अब रोलर आ रहा है, रोलर इसको क्या करेगा कि रोलर इसको दबाएगा। अभी आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोलर के माध्यम से भी बताएंगे, अब ये दबाई जाएगी। बिल्कुल, आप सीधी लाइव तस्वीरें खबर खास टीवी के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को, इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक से शेयर करें। जो जोगिंदर नगर विधानसभा के विधायक श्री प्रकाश राणा जी ने कहा था हमारे खबर खास के माध्यम से कि अप्रैल तक ये कार्य जो है इसकी जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वादे के मुताबिक ये कार्य जो है वो अब युद्ध स्तर पर एक सड़क का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी जो दो पंचायतें बची हैं, खुड्डी पंचायत और कोलंग पंचायत, जो खजूर से लेकर गांव सुमोर तक जो एरिया छूटा हुआ है, अभी वहाँ पे पैचेज पड़ रहे हैं, तो इस कार्य को भी जल्द से जल्द वो स्टार्ट करें और लोगों को आ रही परेशानियों से निजात मिल सके। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे राणा जी का भी कि उन्होंने यहाँ की जनता का बारे में भी कुछ सुध ली, क्योंकि कई वर्षों से ये रोड निकला है लेकिन आज तक यहाँ पर आप देखते थे कि किस तरह से लोग आते हैं जाते हैं। जी अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है इसकी चौड़ाई मापी जा रही है। सर कितनी चौड़ाई है इसकी? 350 सर, कर्मों में 350 है, स्टेट में 3.5-3.10 भी आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही तरीके से अभी हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है। हमारी टीम आ पहुँची है खबरकास्ट की यहाँ पे, और जो 40 mm जो बजरी है वो भी पड़ रही है, रूलर अच्छा कार्य कर रहे हैं। हल्का सा जी हम चाहेंगे कि आप ये दिखाएँ एक बार फिर, पुनः चाहूँगा कि आप ये चीज़ दिखाएँ। 40 mm बजरी इसमें इस टाइम पड़ रही है, आप देख सकते हैं कहीं भी 40 mm से कम नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि 40 mm की बजरी यहाँ पे पड़ रही है रोड की गुणवत्ता को देखते हुए, क्योंकि रोड कहीं ना कहीं हमारे रोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी गुणवत्ता और इसका जो इसकी लंबाई चौड़ाई है ये भी हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से, जैसे ये इस रोड में हमने देखा कि लेवलिंग बहुत कम थी, ये रोड पूरा गड़बड़ाया था, अभी इसमें लेवलिंग हो रही है, हमने जैसे ही पहले भी चेक किया है यहाँ पे आके, तो हमारी टीम आज भी आ पहुँची है और चेक कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये जो बजरी चेक करने का जो मीटर था, कितने mm की बजरी यहाँ पे डल रही है, किस तरह से कार्य हो रहा है, हमने यहाँ पे चेक किया है, आपको भी बताया है, और हम ठेकेदार जी से भी चाहेंगे कि इस जो रोड को बिल्कुल सही तरीके से करें, जहाँ तक आप अभी कर रहे हैं वैसे ही आगे भी सही तरीके से करें, और कई जगह पे अभी रूलर जो है वो ठीक से नहीं लगा है, वो भी अभी लगा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इस चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। खबर खास टीवी से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।